आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। जी आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? आजकल के हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। nice one. तो वही ऐसे पूछता है, भूगोल वालों ने इन दोनों का नाम अलगे रख दिया, हम तो आपको धाएं दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में, लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा लो, टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है ये? इस सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं जी जी आगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सब, टुंडरा बोल रहे तो अपन फोटो भेज रही है सब। और दिखाइए तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा था इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचो बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सर कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा आज टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा, तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की नहीं सर अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा आप, देखिए ना एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए अजब हाल है भाई, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ। कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली वाह वाह, समझ गया वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर, अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के उसमें नहा लेगी सर तो गोर ना हो जाएगी सर उस। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर, समझ में मेरा कि नहीं आ रहा। तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो, इतना यहाँ समझिए, आप समझ में आया
कश्मीर के लोग गोरे काय होते? अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, उसे गोर तो रूस वाला होगा सर। अच्छा रूस वालन को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल, समझा कि नहीं? आगे भूगोल कितना इजी है ना, इजी नहीं है? बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीबी में रहेगी गोरी, और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए, बस खत्म। स्त्रियों की शिकायत है गुरुजी, हमारा पति हमें गाली दे तो चलता है, हमारे बाप को गाली देता कैसे सहन कर ले, हमारी माँ को गाली देता कैसे सहन कर ले। अरे मेरी बहनों, मेरी माँ, आप कुछ भूल रही हो, थोड़ा रिवर्स आओ पीछे, क्या भूल रही हो? मंडप के नीचे आपके पिता ने, आपकी माँ ने आपका कन्यादान कर दिया है, और अब आपकी माँ वो नहीं है, आपकी माँ अब सासू माँ बन गई, आपकी माँ